हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भूत और प्रेतों से जुड़े हुए कुछ डरावने रहस्यों के बारे में। तो चलिए ले चलते हैं आपको भूत और प्रेतों से जुड़े हुए संसार में। वीडियो में दिखाई देने वाली यह सुंदर तस्वीर कनाडा के बनाफ होटल की है। आज से लगभग 110 साल पहले यहाँ पर एक नया विवाहित जोड़ा अपना हनीमून बनाने आया था, लेकिन किसी कारणवश तथा दुल्हन के दुर्भाग्यपूर्ण वह सीढ़ियों से फिसल गई तथा दुल्हन की वहीं पर मृत्यु हो गई। इस होटल के जिस कमरे में वह विवाहित जोड़ा रुका था उसका नंबर है 873। लगभग इस घटना के 2 साल पश्चात कक्ष नंबर 873 का रहस्य एक विनाशकारी आग से शुरू होता है तथा होटल के इस कमरे में एक दिन के लिए रहने आए पति पत्नी तथा उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है तथा उसके बाद में निरंतर उस कमरे से डरावनी चीखें आती रही। ऐसे में होटल प्रबंधन अधिकारियों ने उस कमरे को सील कर दिया। दोस्तों, अगर आप कभी कनाडा के इस होटल में 8वीं मंजिल पर कमरा नंबर 873 को ढूंढेंगे तो वह आपको कभी भी नहीं मिलेगा। उसे अब एक हॉल में तब्दील कर दिया गया है, क्रूक्ड फॉरेस्ट। फ्रेंड्स, दिखने में यह विचित्र तथा घुमावदार पेड़ पोलैंड के एक वन के हैं जो कि रहस्य से पूरी तरह से घिरा हुआ है। फ्रेंड्स, आपने तो अभी तक कुछ ऐसे ही वन देखे होंगे, सीधे और लंबे, लेकिन इस जंगल में लगभग सारे पेड़ उनके आधार पर 90 डिग्री के मोड़ के साथ बढ़ते हैं, जिनमें से अधिकांश उत्तर दिशा की तरफ झुकते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इस वन के चारों ओर सीधे तथा लंबे पेड़ मौजूद हैं। फ्रेंड्स, इस विचित्र जे के आकार में इन पेड़ों के बढ़ने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? मौसम, युद्ध, या फिर एलियंस, या फिर कुछ और ही रहस्यमय? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि गुरुत्वाकर्षण बल में उतार चढ़ाव के कारण ऐसा हुआ होगा तथा वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में एक विशेष रूप से गुरुत्वाकर्षण बल उपस्थित है। लेकिन इस विचित्र सिद्धांत का समर्थन करने के लिए उनके पास सबूत शून्य है तथा कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि उस समय बहुत भारी बर्फबारी हुई होगी जिस कारण ये सीधे नहीं बढ़ सके तथा जब बर्फ पिघलने लगी तो फिर ये वापस सीधे बढ़ने लगे, इस कारण इनकी आकृति जे आकार की है। वीडियो में दिखने वाला यह कोई सुंदर होटल या फिर कोई महल नहीं है, अपितु यह एक प्रेत आत्माओं से भरा हुआ कब्रिस्तान है। इसका नाम हाईगेट कब्रिस्तान है जो कि उत्तरी लंदन इंग्लैंड में है। यह कब्रिस्तान लगभग 37 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसके पश्चिमी भाग में लगभग 57,000 कब्रों को दफनाया जा चुका है। इसी के साथ पूर्वी दिशा में लगभग 1,70,000 कब्रों को दफनाया जा चुका है तथा हरे भरे से दिखने वाले इस कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भूत और पिशाचों को दिन दहाड़े देखा गया है। कई इंसानों ने तो इसकी रिपोर्ट पुलिस तक में कर दी है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य अस्त हो जाने के पश्चात यहाँ के भूत तथा पिशाच नींद से जाग जाते हैं तथा बढ़ते हुए अंधकार के साथ साथ इनकी डरावनी आवाजें तथा किलकारियां बहुत ही तेज होने लगती है। इसके पास से गुजरने वाली सड़क अधिकतर सुनसान ही रहती है। अगर आपको ऐसी रहस्यमय चीजें तथा रोचक तथ्यों में इंटरेस्ट हो तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल तथा पास ही में आई नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।